हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का स्वागत है गौरी प्रिंस फैमिली ब्लॉग में। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ गौरी प्रिंस फैमिली ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और मैंने सारा काम अपना घर का कर लिया है और नहा धो के रेडी हो गई हूँ बच्चों को लाने के लिए। और यहाँ मैंने थोड़े से, गौरी बोल रही थी आज उसको कि आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने थोड़ी तैयारी करके रख दी है, आटा भी गूंद के रख। और यहाँ यहाँ मैंने आलू उबाल के और ये सब कटिंग करके रख दिया, मिर्ची धनिया ये सब है। तो जैसे ही बच्चे आएंगे वैसे ही अपना तैयार होगा सारा सामान, तो मैं आटा वगैरह भी लगा दिया, मैं तो मैंने एकदम से बना के खिला दूंगी उन्हें। और फिर थोड़ा आज सर्दी भी हो रही, मेरी तबीयत खराब सी हो रही है, थोड़ी जुकाम हो रही है, और जुकाम हो रही है और थोड़ा सा बुखार हो रहा है, पर दवाई ले ली है मैंने, ठीक हो जाएंगे। कोई नहीं, सर्दी आ रही है ना, अब सर्दी हो गई। आज देखिए मौसम भी ऐसे, ये देखिए बादल बादल से हो रहा है सारे में, देखिए तो बादल बादल हो रहे हैं सारे में ऐसे ही। और चलिए अब लेके आते हैं बच्चों को, बच्चों को लाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं बच्चों को ले आई हूँ, बच्चों को ला के जस्ट अभी ये बच्चों ने कपड़े वपड़े चेंज करे हैं अपने, और ये देखिए डांस करने में लग रही है हमारी गौरी। और ये हमारा प्रिंस है, ये दोनों डांस करने में लग रहे हैं। और यहाँ मैंने ये आलू आलू जो है वो रेडी करके रख दिया मैंने यहाँ पे, बस बोलने जा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप बना ले रही हूँ। और आटा उसमें रख दिया था मैंने, ये देखिए ये जो है इसमें रख दिया था मैंने गूंद के। और चलिए फटाफट से बना ले क्योंकि 2 बज गए हैं और भूख लग रही बहुत तेज, तो चलिए बना लेते हैं। और आप भी खाइए साथ साथ में, प्रिंस गौरी खाएंगे पहले, तो मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि फिर बनाते बनाते तो खा नहीं सकते ना, तो इसलिए पहले बना लेंगे फिर खाएंगे, बच्चे खा लेंगे और आप भी खा लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू रहिए वीडियो में। मैं टॉफ़ी खा रही हूँ ना, इसलिए बोला नहीं जा रहा सही से। प्रिंस को किसी बच्चे ने जैसे बर्थडे वगैरह होता है ना, तो बच्चे जैसे कि टॉफी वगैरह लेके आते हैं। बच्चे अगर बच्चों को टॉफी वगैरह कुछ भी मिलता है तो ये बच्चे ऐसे नहीं है कि ये खा ले, ये मेरे लिए ले आएंगे, वो बचा के ना मेरे लिए ले आते हैं दोनों के दोनों। ये भी प्रिंस भी है, एक बार को अगर वो भी है तो गौरी बाय चांस खा लेती है क्योंकि अभी बच्ची है इतनी हो रही है, लेकिन मेरा प्रिंस है, प्रिंस कभी नहीं खाता, वो मेरे लिए वापस ले आता है। ये क्या कर रहा है ये? आप राम राम नहीं बोल ना आज आप लोगों ने? तो चलिए राम राम भी बोल रहे हैं बेचारे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पहले, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इसमें मैंने ये हरी प्याज ली है और ये आलू है, और आप आलू को क्या बताने की जरूरत पड़ रही है। ये आलू है, ये धनिया है, ये नमक है, ये लाल मिर्ची है, थोड़ी सी मैंने डाल ली, वो वाली भी डाल रखी, बटन है गंदी बात, ठीक है मम्मा। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाला है मैंने, और नमक मिर्ची गरम मसाला और हरी मिर्ची। तो चलिए मैं ऐसे ना फोड़ लेती हूँ, हाथ से ही फोड़ के देखती हूँ, अगर सही होंगे तो वैसे अच्छे से उबल गए तो यहाँ से फूट जाएगी, मुझे कद्दूकस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मम्मी हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, मम्मी हमें स्कूल ले आई थी और इधर देखिए स्कूल से, तो मम्मी को यहाँ पे खाना, वो रोटी बना रही है आलू के, पराठे। सॉरी दोस्तों, अभी मेरा प्रिंस थोड़ा सीख ही रहा है, व्लॉगिंग कर रहा, बोल रहा था मम्मा मैं बनाता हूँ वीडियो और आप खाना बनाओ, मैंने की हाँ कोई नहीं बना लो। तो यहाँ ये मैं आलू के पराठे के लिए ही भर के रख दे रही हूँ, और फिर इसको भून के फिर खाएंगे मुझे शेरनी, फिर आप खाओगे, और फिर भूत
इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और इधर मैं पराठे बना दे रही हूँ इन लोगों के लिए। प्रिंस के पापा सुबह खाना अपना ले गए थे, वो साग बनाया था, साग लेके गए थे, और सुबह मैंने आलू बनाए थे वो लेके गए थे। मैंने दोनों सब्जी पैक कर दी थी उनके लिए। और यहाँ मैं ये गौरी बोल रही थी, रात भी बोल रही थी मेरे को, कल सुबह भी बोल रही थी कि मुझे आलू के पराठे बना के खिलाओ मम्मा। तो मैं रात भी नहीं बना पाई थी क्योंकि तबीयत खराब हो रही है मेरी, और मैं कल भी नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ही बना दे रही हूँ इसको। तो मैं आज फाइनली आलू के पराठे बना के खिला रही हूँ। आज चालू कर दी। तो आज फाइनली मैं पराठे बना रही हूँ अपनी गौरी के लिए, और गौरी को पराठे बहुत पसंद है। मुझे भी काफी पसंद है। प्रिंस के पापा को भी पसंद है, और प्रिंस के जो पापा के पापा जी हैं उन्हें भी बहुत पसंद है, यानी कि गौरी प्रिंस के दादाजी, उन्हें बहुत पसंद है आलू के पराठे कचौरी, और हमें भी बहुत पसंद है। हाँ प्रिंस हो? हाँ जी, बहुत पसंद है उन्हें। हाँ जी। पर मम्मी को इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मम्मी खेत का भी करती है और घर का भी, घर का काम भी करती है, तो इस वजह से उन्हें बेचारी को बनाने का टाइम नहीं मिलता, पापा को भी खाने का इसलिए नहीं मिलता। तो दोस्तों मम्मी ने हमारे पराठे बनाने शुरू कर दिया है। यहाँ तवा गर्म हो रहा है, माँ चाय बन रही है, माँ पे चाय बन रही है, और यहाँ पे आलू रखा है, इसमें आटा, और यहाँ मम्मी बना रही है। इधर देखिए मम्मी, इधर देखो, ये मैंने बच्चों के लायक अभी बना के रख दिया है, और इसमें आलू भरे जाते हैं, बाकी आलू और बाद में। देखो वो रहे आलू कितने सारे है नहीं मम्मा जी, कितने सारे है आलू। तो जैसे गौरी ने मुझे उस दिन बताया था कि आलू के पराठे कैसे बनते हैं, वो मैंने नहीं बनाए अभी तक। गौरी ने बताया था मुझे, मैंने अपने तरीके से ही बनाए हैं। गौरी क्या बताया था, कैसे कैसे बनते हैं आलू के पराठे? भूल गई मम्मा, भूल गई, चलो बता दे दे, कोशिश करे बताने की। हाँ बताओ। देखो पहले वो क्या मैं तेल लेना भूल गई, पहले तेल चाहिए थोड़ा याला ही, जो आप ले रहे हो तेल, याला तेल चाहिए, और थोड़े से आलू के पराठे बना के, और थोड़े से आलू के पराठे बना के उस पे तेल लगा दो है नी, और उसमें थोड़े आलू भर दो, और फिर थोड़ा तेल लगाओ आलू पे, आलू पे, हाँ जी आलू पे लगाओ, और फिर उसको ऐसे ऐसे कर दो जैसे आप बना रहे थे ना आलू आटे से। रुको अभी अभी हो गया, ऐसा ऐसा हो गया ये। तो दोस्तों ये एक पराठा हमारा लगभग बन चुका है, ये देखिए कितना कलर कितना प्यारा आया है। और इधर अपनी मम्मा भी बहुत मेहनत कर रही है हमारे लिए, हमारी वजह से जब तक हम घर नहीं आते ना तब तक खाती नहीं है मम्मा, और सुबह सुबह को सारा खाना हमें दे देती है, बेचारी भूखे रहती हैं। कोई नहीं बेटा, तो लोग खाली पेट जाते तो मेरी ध्यान उधर ही रहता है। तो ये हमारा रेडी हो गया है आलू का पराठा, और देखिए कितना मस्त मस्त। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, और मेरे पापा ने सिखाया था, और अब मैंने सिखाया है, और अब मैंने सिखाया है। शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो मैं नहीं बना पाऊंगी शायद, मतलब जैसे जितनी चीज हमारे वहाँ बनती हुई, तो दुनिया में बहुत सारे भोग है बनाने के लिए, बहुत सारी रेसिपी है, लेकिन हमारे घर में जो जो बनता है तो वो शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो मैं नहीं बना पाती। एक नॉनवेज वगैरह मैं नहीं बना पाती क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, और हमारे वहाँ पे हमारे ससुराल में प्रिंस और मेरे को छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं, प्रिंस के पापा भी, गौरी भी, बाकी सब हैं जो खा लेते हैं, सिर्फ मम्मी और मुझे छोड़ के, बस प्रिंस और मुझे छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं। मम्मा तेल लगा, गौरी भी खा लेती है, ये गौरी भी खा लेती है, क्या मात्र का मतलब ऐसे भी है, बहुत ज्यादा जैसे मुर्गा चिकन खा लेती है हमारी गौरी।
तो चलिए चिकन लेग पीस। एक पराठा मैंने गौरी के लिए निकाल दिया है क्योंकि अगर मैं इनको दोनों को एक ही दे दूँ तो ये दोनों लड़ते हैं आपस में। ये बच्चे होते हैं तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं और झगड़ा करते हैं, तो मैंने ये सोचा दोनों को मैं एक एक बना के फटाक से दे दे रही हूँ। ये देखिए दूसरा भी लगभग रेडी हो गया हमारा, फिर से दिखाओ बेटा। ये देखिए दूसरा भी रेडी। धीमे धीमे आज पे मैं इसे खस्ता सा कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे प्रिंस को थोड़ा सा खस्ता पसंद है। क्यों प्रिंस हो? खस्ता पराठा पसंद है हमारे प्रिंस को थोड़ा, और प्रिंस की कुछ आदतें बिल्कुल पापा पे गई हैं क्योंकि उन्हें भी खस्ता ही चीजें पसंद है, जैसे कि चावल की रोटी है, कचौड़ी है, ये पराठा है। मैं पापा पे गई हूं और भैया आप पे गया है। हाँ, और चाय कह रही मुझे जल्दी पी लो वरना मैं ठंडी हो जाऊंगी। देखिए चाय आ गई है और धुआं देखिए कैसे उड़ रहा है। कर दूंगा कितना मैं चाय भी कर दी है गौरी के लिए। लो बेटा इधर बैठो, इधर इधर आओ इधर। हाँ अभी जाओ लो इधर दिखाओ। ये देखिए ये मैंने रख दिया, एक गौरी का एक प्रिंस का, ये है प्रिंस का, ये है गौरी का, क्योंकि गौरी थोड़ा ठंडा खाएगी, प्रिंस थोड़ा सा ये खाएगा। चाय में से देखिए कैसे धुआं निकल रहा है। और यहाँ हमारा तवा बोल रहा है कि मुझ पे भी रोटी डाल दो नहीं तो मैं जल जल के और काला हो जाऊंगा। तो चलिए मैं इस पे और पराठे बना लेती हूँ, इनको खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद भी खाती हूँ। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करिए। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और अब मैंने भी खाना पीना खा लिया। खाना पीना खा के अपने जो भी बर्तन वगैरह ये सब धो के तो अपना बस वो हो गए हैं, अब हम भी सोने के लिए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का यही एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें।